नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। जैसे कि रांची में आज प्रियंका गांधी का जनसभा संबोधित करने वाली है और रांची में वो अभी कुछ ही देर में जनसभा संबोधित करेंगे। उससे पहले आपने लाइव के माध्यम से देखा कि लोगों की भीड़ जो है उभरी हुई है और मौसम का मिजाज जो है पूरा बदल चुका है, लेकिन उसी बारिश में लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं और लोग जो है नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग क्या नारा लगा रहे हैं, मतलब इस चीज का नारा लगा रहे हैं? नारा हम लोग लगा रहे हैं कि इस बार जो है 24 में देश की जनता सरकार में आ रही है और ये लोग बेटी जलाओ पार्टी जो है बड़का झूठा पार्टी ये लोग जा रहा है। 14 में आया था कि 15 करोड़ लोगों को खाता में देंगे, 15 रुपया नहीं दिया। बोल के आया था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, आज 20 करोड़ नौकरी नौजवान मांग रहा है, कहाँ दिया? ये बड़का झूठा पार्टी, ये बड़ी बड़ी बात करने वाला पूंजीपति, मुख में राम बगल में छुरी, ये हाल है लोग का। कुछ नहीं होने जा रहा है, ये जान लीजिए कितना महंगाई का मार। बोल के आया था कुछ नहीं होने जा रहा है, इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से देश में सरकार बनाने जा रही है और दिल्ली में जनता विराजमान होने जा रही है, ये होगा हम लोग का। क्या लगता है प्रियंका गांधी का रांची आना कितना सारा लाभदायक है? प्रियंका गांधी राज्य में आना कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और 2024 में आने वाला झारखंड की सभी सीटें कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जीतेगी, ये श्योर हो गया इनके आने से। क्या लगता है प्रियंका गांधी का रांची आना, जनसभा दो जगह पे आज संबोधित कर रही है, तो कितना ज्यादा लाभदायक है? बहुत लाभदायक रहेगा हम लोगों की, जो हम लोगों की भारत की बेटी जो है सुनी सहायक है, उन लोग को हम लोग जिताएंगे। वो नए सिरे से हम लोग अच्छे राजनीति को अच्छी मतलब सुझाव देंगी और हमारी खास करके HEC का मामला है, आज तक उसके बारे में BJP का जो भी नेता है कुछ अभी तक किया नहीं है। अभी हमारी जो बेटी आ रही है वो हमारे लिए कुछ क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी आज रांची आ रही है, कितना ज्यादा लाभदायक रहेगा उनका रांची आना? प्रियंका गांधी पूरे समाज के महिला नौजवानों के लिए एक सबसे बड़े मोटिवेटर है। इनके मोटिवेशन से ये लोग कभी झूठ नहीं बोलता है, इन लोगों का जो वादा होता है वो जमीन पर उतरता है। आप देखा होगा कर्नाटक में, देखा होगा हिमाचल में, देखा होगा इसके पहले राजस्थान में, जो भी वादा किया इंडिया गठबंधन कांग्रेस पूरा किया, जमीन पर उतारा। इसलिए यूथ आज इन पर पूरा भरोसा कर रहा है। 10 साल से बेरोजगार जनता जो भटक रहा है, जिनका एज एक्सपायर कर गया हर प्रकार के शिक्षा ग्रहण करने के बाद, ये तमाम लोगों में एक उबाल है। इसी उबाल का परिणाम है कि लोग राहुल और प्रियंका के नाम पर अपना नौछावर करने को तैयार है। एक बार फिर से अपना नारा लगा दीजिए, जो आप लोग नारे जिस नारे के साथ आप लोग यहाँ पे पहुँचे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, कच्छप जिंदाबाद, 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 सुबोध कंसाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहेंगे प्रियंका गांधी रांची आ रही है, उनका रांची आना कितना ज्यादा लाभदायक रहेगा? पहले तो प्रियंका गांधी जी का झारखंड की धरती पे उनका बहुत बहुत अभिनंदन है और वो एक महिला प्रत्याशी को समर्थन देने आ रही हैं और वो खुद एक महिला हैं। हम ये मानते हैं कि इस देश में इंदिरा जी ने महिलाओं को इतना बढ़ाया था और महिलाओं को बढ़ाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करेगी। ये बेटी जलाओ पार्टी तो है नहीं कि जला करके और फेंक दिए और आज तक ना प्रशासन उस पर कुछ करता है, ना नरेंद्र मोदी जी कुछ करते हैं जो प्रधान चौकीदार बने बैठे हैं। तो उनका क्या बोलना इस पार्टी के बारे में, जितनी इनकी निंदा की जाए वो काफ़ी कम है। तो जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से समर्थन जो है वो पूरा समर्थन देने यहाँ पहुँच रहे हैं और मौसम का मिजाज बदलने के बाद भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लोगों का जमावड़ा हो रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि प्रियंका गांधी का रांची आना और जनसभा संबोधित करना यशस्विनी सहाय के पक्ष में कितना ज़्यादा लाभदायक होता है और जनता जो है उनको कितना ज़्यादा पसंद करती है। फिलहाल परिणाम तो 4 जून को आने वाले हैं, 4 जून को ये पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है और किसकी जीत होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज टीवी के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची, वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।